तो आप लोग बोल रहे थे इतने दिन से मीडियम साइज का जानवर दिखाने के लिए, तो चलिए आज आप लोग के लिए मीडियम साइज का जानवर का कलेक्शन लेके आ गए हैं, जो कि है फगला हाट में। तो आप लोगों को दिखाएंगे, ये देखिए आप लोगों को अभी थोड़ा सामने से दिखा दे रहे हैं। आप फ्रंट फेस पहले देख लीजिए, फिर आपको पीछे से भी जानवर दिखा रही हूँ। जानवर तो भाई बहुत अच्छा अच्छा जानवर है यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा पीस नहीं है, कम पीस है, लेकिन अच्छा अच्छा जानवर है, सब अपने में है, रेडी है। कुछ कुछ जानवर तो बहुत ही अच्छा है उसमें से। और जानवर का क्या दाम मांग रहा है, क्या कैसा रेट है नहीं है, वो आपको हम लास्ट में बताएंगे। आप लोग वीडियो तब तक देखते रहिएगा। तो ये आप लोग फ्रंट से देख लिए, अब चलिए आप लोगों को पीछे से दिखा रहे। ये जो पहला वाला जानवर है, इसको आप देख सकते हैं, बाची जानवर है, बहुत अच्छा रेडी है भाई, ठीक है। मीडियम साइज का जानवर के हिसाब से बहुत अच्छा माल है ये वाला। आप लोग जाके इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला है एक तो, ये वाइट वाला देख सकते हैं आप लोग, वाइट वाला तो उससे भी चाबुक जानवर लग रहा है देख के, ठीक है। इसका थोड़ा हाइट भी है, सब बाची पैटर्न का जानवर है, ठीक है। लाल भी अपने में है भाई। जो शुरुआत में थोड़ा बहुत जो जानवर आप देखे हैं एकदम लाइन से, वो बहुत अच्छा अच्छा जानवर है भाई, ठीक है। तो अब इस साइड का देख लीजिए भाई, इधर पर ही आपको लाल, सादा, काला सब तरह का जानवर मिल जाएगा, ठीक है। ये सब उससे थोड़ा हल्का हल्का जानवर है, आपको जो देखे उससे थोड़ा हल्का हल्का है। अरे ये वाला एक तो देख सकते हैं छाई वाला डो, ठीक है। दो डो लाल है इधर, और एक तो काला वाला जो है, ये बहुत हमको भाई पसंद आया, ठीक है। अभी उतना थोड़ा सा रेडी नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत चाबुक जानवर है भाई, थोड़ा सा खा पीगा तो और अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए जानवर, ठीक है। ये आपको पहला लाइन का जानवर दिखा रहे हैं, उस साइड में भी थोड़ा बहुत जानवर है। देखिए एक तो ये जर्सी पैटर्न का भी जानवर है वाला, व्हाइट कलर का है, थोड़ा बहुत मीडियम साइज का हिसाब से जानवर, ठीक है, ठीक है। तो इसको लेंथ देख सकते हैं आप, लेंथ भी अच्छा है इसका, ठीक है। एक तो ए वाला देख सकते हैं भाई, ये भी ठीक है, मीडियम साइज का हिसाब से जानवर सही है, इसका थोड़ा झूठी भी है। और एक तो ए वाला देख सकते हैं, छाई वाला, इसका बगल में ही है, हल्का फुल्का जानवर है, ठीक है, मीडियम साइज के हिसाब से। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो आप लोग खटाल में जाइए, जाके एक बार देख लीजिए। तो दाम का बात करेंगे भाई, दाम तो इस बार भाई दाम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, दाम बहुत ज़्यादा है। गोरू का टांग भी है, जो एक नंबर और दो नंबर आप देखे उसका दाम किए थे, तो उसका दाम वही 95 से लेके 1 लाख तक का मांग रहा है। ये तो आस्किंग प्राइस है, आप लोग खटाल जाके बात कर सकते हैं, बात कीजिए, दाम में आ जाएगा, पसंद आ जाएगा तो ले लीजिएगा। तो आपको अभी हम दूसरा लाइन का दिखा रहे हैं, आपको ये लाइन का हम जानवर दिखा दिए, ठीक है। चलिए दूसरा लाइन का जानवर दिखाते हैं। तो सामने में देखिए भाई, ये सब जानवर आपको दिखाए, ये सब बहुत अच्छा अच्छा जानवर है, टॉप क्लास का जानवर है, बहुत अच्छा लगा हमको। एक तो ये वाला 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये सब बहुत टॉप क्लास का है। तो अरे देखिए ये दूसरा लाइन का जानवर है, ये सब एकदम हल्का हल्का जानवर आएगा। एक तो ये लाल हो जाएगा, एक तो ये सादा हो जाएगा। ये सब का दाम हम नहीं किए थे भाई, आप लोग खटाल जाके ये सब का दाम कर सकते हैं, ठीक है। दाम ठीक ही बोलेगा इसका, अगर पसंद आएगा आप लोग को तो आप लोग दामदार करके ले लीजिएगा। और रहा बात खटाल का ओनर का नंबर, तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे ही दिए हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन में नंबर देख लीजिएगा। और खटाल का ओनर का नाम है अताउद्दीन। तो हम लोग भाई इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, हम लोग मिलेंगे फिर से न्यू वीडियो में, चलिए।